हिमाचल में इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेज बारिश तो दूसरी तरफ बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में बार बार भूस्खलन और बादल फटने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बीते दिनों से हो रही बारिश में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं इसमें करोड़ों का नुकसान हो गया है। कांगड़ा से अब तक 1700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश और लैंडस्लाइड बार बार देखने को मिल रही है। लोग, गाड़ियां, घर सब चपेट में आ रहे हैं। कई हादसों में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है। बादल फटने की वजह से सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। कई स्थानों पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं। कांगड़ा, मंडी, चंबा में बाढ़ जैसे हालात बेहद ही खराब बने हुए हैं। सेना, एयरफोर्स, NDRF, SDRF रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, तो वहीं वायुसेना बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर रही है। शिमला का सबसे पॉश एरिया हिमलैंड को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, तो वहीं CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कहा है कि इस आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में 1 साल लग जाएगा। बता दें कि शिमला के कृष्णा नगर में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें स्लॉटर हाउस सहित कई घर जमींदोज हो गए। कृष्णा नगर वार्ड में स्लॉटर हाउस के पास पहाड़ खिसकने से 5 घर गिर गए। तो वहीं मंगलवार शाम को इस हादसे में रात के समय राहत काम चलता रहा। तो वहीं कांगड़ा से अब तक 1700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिला प्रशासन, सेना, भारतीय वायुसेना मिलकर सभी बचाने में जुटी हुई हैं। शिमला के अस्तित्व पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है। बीते दिनों में कई बार शिमला में भारी भूस्खलन हुआ, कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इतना ही नहीं, शहरी विकास विभाग की कई इमारतों पर भी खतरा बना हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में बारिश ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि मनाली, सोलन, रोहड़, ऊना, गमरू, हमीरपुर और केलोंग शहर में जुलाई के महीने में हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दिन राज्य में अभूतपूर्व बारिश दर्ज की गई। रविवार से राज्य में मूसलाधार बारिश का दूसरा दौर चला। अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में मानसून कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन 25 अगस्त को फिर सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि हिमाचल के शिमला में शहरी और ग्रामीण में 17 अगस्त तक स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल वहां पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।